अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइकस की कटिंग लगाने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके पास फाइकस का एक पौधा होना चाहिए, मदर प्लांट, उससे आप कटिंग लें। ये जो है ना एक ग्रो बैग है, इसमें मैंने जो है ना बलमट्टी डाली हुई है, आपको कोपीट भी डाल सकते हैं। एक चाकू चाहिए, एक कटर चाहिए, एलोवेरा का पत्ता चाहिए। आइए अब हम जो है ना मदर प्लांट से कटिंग लेते हैं। इसमें से एक ये देखें, ये कटिंग मैं ले रहा हूँ, ये मेरे कटिंग ली। अब इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो हम हटा देंगे, ये एक्स्ट्रा इसकी पत्ते हैं और एक्स्ट्रा शाखें हैं, वो हम काट लेंगे। ये मैंने काट दिए। अब जो है ना इसको हम हल्का सा ऐसे खाली कर दें ताकि ये जो है यहाँ से ये जड़ें पकड़ेगा, ठीक है। अब इसको जो है ना एलोवेरा में डुबो देंगे, ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। ये और ये मैंने लगा दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम शेड में रख देंगे और इंशाल्लाह 20-25 दिन में इसका रिज़ल्ट आना शुरू, 15-20 दिन बाद इसकी रूटीन शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से नई ग्रोथ भी पत्तों में जो है ना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।